नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं चमेली के तेल के फायदे व कुछ चमत्कारिक प्रयोग। तो वीडियो का आप पूरी देखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। चमेली के पुष्प छोटे, कोमल, सफ़ेद तथा पंखुड़ियों से युक्त होते हैं। पुष्पों को सूंघने पर इसमें बहुत ही मनभावन गंध आती है, इसलिए इसे हृदय गंधा भी कहते हैं। ये पुष्प चतुर्मास में खिलते हैं। इसके अन्य भेद में पुष्प पीले होते हैं, किंतु उसे भी चमेली कहते हैं। इसके पुष्पों से आश्वासन विधि द्वारा एक सुगंधित तेल बनाया जाता है। वही तेल जैस्मिन ऑयल तथा चमेली के तेल के नाम से बाज़ार में उपलब्ध होता है। चमेली का तेल हल्के पीले रंग का सुगंधित तेल होता है। यह शीतल, वर्णरोपक, रक्त विकार शामक, शिरोरोग तथा नेत्र रोग में लाभ करने वाला एवं त्वचा रोग में उपकार करने वाला होता है। मुख में छालों को भी यह ठीक करने में सक्षम है। चमेली के तेल के का औषधीय महत्व। जितना महत्व चमेली के पुष्पों का है, उतना ही उसके द्वारा प्राप्त तेल का भी है। इस तेल को औषधीय रूप में अत्यंत प्रभावकारी पाया गया है। इसके प्रयोग से सामान्य रोगों से उत्पन्न समस्याओं से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके कुछ अत्यंत उपयोगी और सरल उपाय इस प्रकार है। रक्त विकारों में, शरीर में किसी भी प्रकार के रक्त विकार में चमेली के तेल का प्रयोग अत्यधिक लाभ करता है। इस हेतु 200 मिलीलीटर दूध में चमेली के तेल की 4 बूंदें डालकर सेवन करना चाहिए। इस तेल को एकदम गर्म दूध में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि वह गुनगुना रहे तभी मिलाकर पीना चाहिए। अर्थात गर्म दूध को ठंडा करके फिर उसमें मिलाकर सेवन करना चाहिए। चेहरे पर मुहासे हो जाने पर, युवावस्था आते आते अनेक युवक युवतियों के चेहरे पर मुहासों की समस्या हो जाती है। यह मुहासे सौंदर्य को कम करके दाग लगाने का काम करते हैं। विशेषकर युवतियां इनसे अत्यधिक परेशान रहती है। इसके लिए एक आसान उपाय यह है, चमेली के तेल की थोड़ी सी मात्रा को अरारोट के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरा साफ होने लगता है। फोड़ों पर, त्वचा पर फोड़े हो जाने की स्थिति में उस पर थोड़ा सा चमेली का तेल लगाने से शीघ्र ही लाभ होता है तथा फोड़े ठीक हो जाते हैं। नेत्र रोगों में अथवा नेत्र ज्योतिवर्धन हेतु, नेत्रों की ज्योति बढ़ाने हेतु अथवा किसी भी कारण से नेत्रों में दर्द होने पर पलकों के ऊपर धीरे से थोड़ा सा चमेली का तेल लगा लेने से तुरंत आराम होता है। इस प्रयोग से नेत्र ज्योति में भी वृद्धि होती है। सिरोपीड़ा पर, सिर में दर्द होने की स्थिति में सिर में चमेली के तेल की चंपी करने से लाभ होता है। यही नहीं, इस प्रयोग को करने वाले को उत्तम निद्रा की भी प्राप्ति होती है। नाक कान की फुंसी पर, कभी कभी नाक में किसी बाल के उखड़ जाने से अथवा किसी भी कारण से नाक के भीतर एक या अधिक फुंसी हो जाती है। इसके निवारणार्थ एक रुई के फोहे में थोड़ा सा चमेली का तेल लगाकर उसे नासा में जिस तरफ फुंसी हो उस तरफ लगाकर रखने से शीघ्र ही आराम हो जाता है तथा फुंसियाँ लुप्त हो जाती है। इस प्रकार यदि कान के भीतर कोई फुंसी हो तो कान में चमेली के तेल में भिगा हुआ फोहा लगाने से भी वह लाभ होता है, फुंसी ठीक हो जाती है। चमेली के तेल के चमत्कारिक प्रयोग। साथियों, हमने वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताया था कि हम चमेली के तेल के कुछ चमत्कारिक प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं। चमेली के तेल द्वारा अनेक ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जिससे आपको न केवल अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होगी अपितु कामनाओं की पूर्ति होकर सुख समृद्धि भी प्राप्त होगी। यहाँ कुछ ऐसे सरल किंतु अत्यंत उपयोगी एवं चमत्कारिक उपायों के बारे में बताया जा रहा है जिनका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से वे अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं तथा साधक की मन कामनाओं को शीघ्र ही पूरा करके उसे कष्ट तथा समस्याओं से मुक्त कर देते हैं। चमेली के तेल द्वारा चोला चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है। इससे श्री हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। चोला आप इस प्रकार चढ़ा सकते हैं। चमेली के तेल में इतनी मात्रा में सिंदूर मिला लें जिससे हनुमान जी की प्रतिमा पर लेपन किया जा सके। शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को आप प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर चमेली के तेल में सिंदूर डालकर लेप तैयार कर लें। साथ में थोड़ी स्वच्छ रुई भी ले लें। आप निकट के किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं जहां चोला चढ़ाने की सुविधा हो। पूरी श्रद्धा एवं भावना के साथ पहले थोड़ी रुई लेकर प्रतिमा को साफ करें। इसके बाद धीरे धीरे प्रतिमा पर रुई की मदद से सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय हनुमान जी के किसी भी मंत्र का मानसिक जाप करते रहें जो बहुत ही अच्छा है। इसके पश्चात मंदिर में ही बैठकर 1, 3 या 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और वापस आ जाएं। जो साधक ऐसा करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। उस व्यक्ति के शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते तथा उसकी सतत उन्नति होती है।
इस प्रयोग के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति में भय समाप्त होता है तथा उसके आत्मबल में असीमित वृद्धि होती है। यदि यह प्रयोग आप निरंतर 21 अथवा 31 मंगलवार करते हैं तो आपको इसका कितना लाभ मिल सकता है उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसका आप स्वयं अनुभव करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का पालन घर में एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति लाकर उस पर भी करे तो भी उसे उक्त लाभ प्राप्त होता है। घर में लाई गई मूर्ति 11 इंच से ऊँची ना हो। दाम्पत्य जीवन में जिस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखी ना हो, पति पत्नी के बीच आपस में कलह होती हो, उसमें प्रेम कम हो अथवा एक दूसरे पर विश्वास की कमी हो, तो पति पत्नी दोनों में से कोई भी यह उपाय करके आशातीत लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। इस उपाय के लिए लगभग 100 मिलीलीटर चमेली के तेल को किसी शीशी में ले लें तथा उसमें 10 फूल वाली लौंग दरदरी पीसकर डाल दें। अब नित्य सुबह से लेकर शाम तक या रात्रि तक में कभी भी रुई की एक बत्ती बनाकर उस तेल में डुबाकर धातु के बने हुए किसी दीपक पर रखकर जला दे। यह दीपक 5 से 10 मिनट तक जलना चाहिए। इस दीपक को घर के पूजा स्थल में ना लगाकर बेडरूम में लगाएं। नित्य इस प्रयोग के करने से थोड़े ही दिनों में सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित होने लगते हैं। इस प्रयोग का शीघ्र ही प्रभाव प्राप्त करने के लिए पति अथवा पत्नी दोनों में से जो भी यह उपाय कर रहा है उसे अपने ऊपर संयम रखना होगा। मन में तनाव तथा कलह उत्पन्न करने वाले भाव नहीं लाएं। अपने इष्ट में ध्यान लगाएं। ऐसा करने से कुछ ही समय में पति पत्नी के मध्य फिर पहले जैसा अथवा उससे भी अधिक मधुर संबंध बन जाएंगे। यह प्रयोग अत्यंत चमत्कारिक तथा शीघ्र फलदायी है। यह सभी जानकारी निरोग दुनिया प्रकाशित चमत्कारिक तेल पुस्तक से ली गई है। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है और इस प्रकार तेलों की जानकारी आप और प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल आयुर्वेद के पन्नों से जुड़ें। धन्यवाद। वंदे मातरम।